ओ माय गॉड रिजल्ट आ गया। मुझे ना हमेशा ऐसे होता है बिकॉज़ दिस वन ओ गॉड धक 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 हो रहा है, मैं क्या करूं। सर अनाउंसमेंट टू मेक, तो जो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, सो फॉर दैट यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल एंड। Hey people, thank you for watching together with Dhanu and welcome back to yet another vlog. Third time pehle I asked you all that are you guys really interested in watching my exam vlog ki jisme main apne results wagera dekh rahi hu and everything, and I got a like heavy response jisme aap logon ne bataya that you guys really want to watch that, so I thought of coming up with that. पहले ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ that I have not recorded everything, but yeah, I have like a few bits and clips and pieces जो मैंने उस टाइम पे शूट कर लिए थे, but then I just simply forgot to switch on the camera, तो वो रह गया। बट यार धीरे धीरे आई विल बी लाइक टेलिंग यू कि कैसे रहा, क्या रहा एंड एवरीथिंग। हेलो एवरीवन, सो हियर आई एम फिल्मिंग अ व्लॉग। आई जस्ट वांटेड टू रिकॉर्ड दिस प्रोसेस ऑफ यू नो वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स ईगरली एंड चेकिंग आउट द रिजल्ट। सो आज है 10th of July। टेक्निकली देखा जाए तो जो न्यूज़ निकली उस हिसाब से हमारा रिजल्ट 11th July को आना चाहिए, बट सैडली जो न्यूज़ थी दैट वॉज फेक। अब CBSE ने भी डिक्लेयर कर दिया है, अब कोई होप नहीं है कि रिजल्ट कल आएगा। एंड वैसे भी जब मुझे ये न्यूज़ पता चली थी ना, आई वॉज लाइक कि सैटरडे संडे तो CBSE रिजल्ट नहीं निकाल सकता, सो इट हैज़ टू बी सम वर्किंग डे। लेट्स मे बी वेट फॉर अनदर डे, बट ये जो वेट, ये जो सब्र है वो ना वैसे कब आएगा, कब निकलेगा मुझे तो। मतलब मेरे को आज भी याद है जब मेरे 10th का रिजल्ट आया था, CBSE की तरफ से नोटिस इशू हो गया था कि 4 बजे रिजल्ट कुछ आ जाएगा, एंड 1 बजे रिजल्ट आउट था। न्यूज़ वगैरह सब भरी हुई थी, मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आता था, अपने टीवी देखा, मैंने कहा नहीं तो रिजल्ट इज आउट, मेरा फ़ोन लिटरली ऐसे ऐसे स्टैमर कर रहा था। एंड मैंने फिर अपना रिजल्ट चेक किया एंड आई थिंक कि इस बार भी ऐसा कुछ होगा। आई एम बैक। एक्चुअली ना मेरे को अभी अभी पता चला कि ICSE का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया आज। वाओ, मतलब चलो फाइनली उन बच्चों को टेंशन से राहत मिल गई एंड अब CBSE वाले रह गए हैं दिया वेटिंग कि कब रिजल्ट आएगा। ऑल्सो एक और चीज़ हुई है, इतनी स्पेशल चीज़, मैं बस अभी अभी अपनी इंस्टा पे मैंने स्टोरी डाली उस चीज़ की, दैट आई एम फीलिंग सो 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 हैप्पी राइट नाउ बिकॉज समथिंग रियली अनएक्सपेक्टेड हैज़ हैपेंड और मैं इतनी खुश हूँ ना, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती आपको क्या। सो आई विल सॉर्ट ऑफ मैं मतलब आपको वो दिखाऊंगी चीज़ एंड देन आई विल टेल यू कि क्या। सो राइट, तो मे बी आपको मैं मिलूंगी 11th July को, आज 10th है। बाय। हे एवरीवन, सो आज है 12th of July, संडे है आज, तो फॉर श्योर आज रिजल्ट नहीं आएगा। आई नो यू मस्ट बी वंडरिंग मैं इतना रेडी शेडी क्यों हो रही हूँ। आपको बता दूंगी कि क्या प्लान है एंड व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू, आपको शायद आगे पता लग जाएगा। ऑल्सो वो जो सरप्राइज जो मैं आपको बता रही थी कि आई एम वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग रियली रियली मतलब हैपनिंग हैज हैपेंड, तो बस अब थोड़ी देर में मैं वो आपको दिखाऊंगी। ओके गाइज, हियर आई एम ऑन माई यूट्यूब एंड आई एम गोना सर्च मेकअप लवर सेजल हियर। तो या यू कैन सी आई हैव सब्सक्राइब्ड हर ऑलरेडी, चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ था तो हमें शो हुआ था, तो मैंने ये पोस्ट 30th June को मुझे भैया ने दिखाई की, तो देन मैंने ये वीडियो लाइक 30th June को एग्जैक्ट वो शूट करके भेजी थी विद नो होप ऑफ मी फीचरिंग। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो फर्स्ट लाइक, हाँ सो आप देख सकते हैं ये इमेज जो है ना, दिस इमेज, ये मैं लगा भी दूंगी स्क्रीन पे, ये मैं हूँ। या न्यू क्रिएटर्स रिएक्शन OMG 2020, लेट्स जस्ट ओपन दिस। Oh my god, today is 13 July और मैंने भी सुबह न्यूज़ पढ़ी कि आज रिजल्ट आने का बिल्कुल भी चांस नहीं है बिकॉज साइट में कोई एरर आ रहा है, बट रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड। आई एम जस्ट ओपनिंग, आई डोंट नो मुझे क्या हो रहा है, बस चेक ही कर रही हूँ, मेरा हाथ कांप रहा है। आई एम लाइक ओ माय गॉड, हे भगवान, आई विश धनु आराम से रोल नंबर तो ले आल पागल। ओह माय गॉड, हियर आई एम इन माय रोल नंबर, आई एम सो सॉरी फॉर दिस मेस्ड अप लुक, मुझे नहीं लगा था रिजल्ट आएगा। मेरे को पता कह रही है कि मैंने खोल के देखा, मेरी खुल नहीं रही, मेरा दिल धक 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 खुल रहा है कि मेरे साथ भैया भी नहीं है ना यार, नहीं दिस साइड कांट बी रीच्ड।
मेरा हाथ कांप रहा है, मतलब गॉड। cbse.nic.in Let's try this one. Oh god. मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ रख रही हूँ कैमरा, मैं कैसी दिख रही हूँ, लाइटनिंग प्रॉब्लम, एवरीथिंग। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, मतलब आई हैड नॉट थॉट। हाँ जी, नहीं खुल रही, किसी की भी नहीं खुल रही। एवरेज ठीक लग गए, क्यों नहीं खुल रहा हमारा? मैं फोन पीसी पे खोल रही हूँ, नहीं खुल रहा, द सर्वर नॉट अवेलेबल। ओह माय गॉड, मेरा दिल धक 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 हो रहा है, मैं क्या करूँ यार। मेरे को दीप्ति का मैसेज आया, सो हे या सो हाउ वाज योर रिजल्ट, एंड लाइक व्हाट रिजल्ट आ गया मेरे पास। ओके चल बाय, रिजल्ट आ गया। मुझे ना हमेशा ऐसे होता है, मेरे को लेट ही पता चलता, पता नहीं क्यों। व्हाट द हेल आई वाज डूइंग, रिजल्ट आउट। सी मैम ने वैसे मेरे जो क्लास का ग्रुप है उसमें आ रखा है रिजल्ट आउट 1244, मुझे 126 पता चल रहा है। वाओ, नॉट लोडिंग, नो मैम, साइट इज नॉट ओपनिंग, माय फोन इज लिटरली फ्लडेड विद मैसेजेस, गॉट योर रिजल्ट, साइट नहीं खुल रही, एंड मेरा हाथ कांप रहा है, मैं हो रही हूँ, मुझे तो मैम पता ही नहीं था, मैं पता नहीं क्या कर रही थी। रीलोड आई जा रहा है। ओके डन, ओके कूल, ओके बाय, ऑल द बेस्ट, यो थैंक यू मैम। तो हिलेरियस, व्हाई दिस साइट इज नॉट ओपनिंग, मतलब क्या बोल ही रही, अभी डर लग रहा है। खुल जा यार, व्हाई दिस मच ऑफ, हेलो हेलो, क्या कर रहा है, क्यों क्या हुआ, रिजल्ट आ गया, देख लिया तेरा आ गया, साइट लोड हो गई, कहाँ पे देखा, साइट लोड कर, कब से कर रही हूँ, सारा पूरी ऑल इंडिया कर रही होगी, जो टॉप अराउंड के बाद में आएंगे तो वेट कर, तो चुप कर जाओ यार, इधर इतना एक्साइटमेंट से मेरा। गाइज आई एम स्टिल वेटिंग कि आ जाए, अभी भी साइट नहीं खुल रही है। मेरे फ्रेंड्स वगैरह से बात हुई, एक ने देख लिया अपना रिजल्ट, शी सजेस्टेड मी सम ऐप, ये उमंग करके, मैंने बस अभी डाउनलोड किया। तो पहले तो ऐसा हो रहा था कि साइट बहुत टाइम ले रही थी रिजल्ट अपलोड होने में, और मेरे को काफ़ी लेट पता चला रिजल्ट आ गया। आई एक्चुअली वाज जस्ट सिटिंग एंड चिलिंग, मैं लिटरली सो रही थी, पता नहीं कुछ कर रही थी, एंड मेरे को एक फ्रेंड का मैसेज आता है दैट ओके हाउ वाज योर रिजल्ट, एंड आई थॉट दैट शी मस्ट बी प्रैंकिंग विद मी, एंड वॉज लाइक ओ रिजल्ट आ गया, कब आया। फिर जैसे ही मैंने सब न्यूज़ वगैरह चेक की तो देयर वाज लाइक ओके 12 सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर, एंड आई लाइक क्विकली मैंने फटाफट अपने फ्रेंड्स वगैरह को फोन किया एंड एवरीथिंग, एंड देन मुझे भी कुछ फ्रेंड्स का कॉल आया ओके तेरी साइट खुली ना एवरीथिंग, तब मुझे पता चला कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, और मुझे एक घंटे बाद पता चला। सो आई फील लाइक अगर मुझे उसी टाइम पता चला होता तो शायद मैं फटाफट से देख लेती, बिकॉज एक घंटा लेट पता चला तो साइट कैसे प्रॉब्लम आया। सो ऐसे करते करते मैं आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे क्लास टीचर मैम थे वो स्कूल गए, बिकॉज स्कूल के पास वो सारा डेटा और सब कुछ होता है, और मैम ने पता किया रिजल्ट वगैरह। उसके बाद ना मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह को बोला कि अगर आप लोगों की साइट खुलती है, लाइक किसी की खुलती है, सो डू टेल मी कि मेरा भी चेक कर देना। सो ऐसा होता रहा एंड आई एम स्ट्रगलिंग। तो तभी मुझे मेरी मैम से बात हुई कि मैम अगर स्कूल में पहुँच गए हैं तो फिर मैम ने मुझे कहा कि मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर तक। तो बस आई वेटेड फॉर अ मिनट, तब तक ऐसा हुआ कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ चुका था कि धनु हैज स्टॉप्ड विद सो एंड सो परसेंटेज इन द कॉमर्स स्ट्रीम, और उसके बाद क्या था, कॉन्ग्रेचुलेशंस की बहार लहरे, एंड आई वाज जस्ट चेकिंग माय फोन, एंड मैं तभी शायद वीडियो नहीं बनाई भाई, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, तो उस चीज़ में बिजी था और पता नहीं वॉट ऑल हैपन उस टाइम पे। एकदम अचानक से जब पता चला कि अच्छा इतने परसेंट बने हैं, और बहुत ऐसे मतलब मैंने अपना रिजल्ट ही नहीं देखा उसके बाद लिटरली। फिर जब अपने मैम से जब मेरी बात हो रही थी तो मैम, मैंने फ़ोन स्पीकर पे रखा हुआ था, मम्मा साथ ही बैठे थे और मैं अपने मार्क्स नोट कर रही थी कि ओके लेट्स सी व्हाट आई हैव स्कोर्ड। तो मैम स्पीकर पे जब मार्क्स बोल रहे थे आई वाज जस्ट नोटिंग डाउन, एंड मम्मा साथ में बैठे, मम्मा लिटरली हैड टीयर्स इन हर आईज, मैंने कभी ऐसे मम्मा को रोते हुए नहीं देखा, मम्मा लिटरली बहुत ज़्यादा रो रहे थे, एंड आई सेड आई आस्क हर क्या हो गया आपको, खुशी के आंसू में भी तो बोली नहीं उस टाइम पे कुछ, बट आई कुड फील हर, एंड आई दैट मोमेंट वॉज सो प्रेशियस, आई एम सो सॉरी आई कुडंट रिकॉर्ड, बट आई एम ग्लैड दैट आई एंजॉयड दैट मोमेंट। मैंने वो सारा कुछ पूरा अच्छे से देखा है, लिटरली मम्मा की लापी में सोई काफ़ी देर तक, एंड वी टॉक्ड, इट वॉज अ रियली कूल मोमेंट। थोड़ी देर बाद पापा आ गए, एंड पापा को बताया, सो पापा वॉज ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी, इट वॉज लाइक चलो भाई पार्टियाँ करनी, इधर मिठाइयाँ बांटनी, उधर करना, ये करना, देन आई वॉज लाइक पापा थोड़ा रुक जाओ, अभी ऐसे COVID-19 पेंडेमिक चल रहा है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन मे बी विल डू एवरीथिंग। तो ये चीज़ मुझे तब भी नहीं पता थी, देन वन ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी कि आप
God, oho, आपका रिजल्ट इतना है, कॉन्ग्रेचुलेशन करके. I'm like, what? तो she said, yes, check your phone. तो मैंने बस गई और मैंने अपना फ़ोन चेक किया, बट तब तक मैंने अपना रिजल्ट अपनी आंखों से नहीं देखा था. फिर वहाँ पे मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन आया, फिर अल्टीमेटली सबका रिजल्ट ग्रुप में आ चुका था, बिकॉज सबको साइट एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो रही थी. कुछ थे लकी वंस जिन्होंने पहले ही देख लिया था, बट या कुछ ने काफ़ी बाद देख. उस पूरा दिन भी मैंने अपना रिजल्ट नहीं देखा बिकॉज आई गॉट बिजी. ऑफकोर्स अगर वो रिजल्ट ऐसे स्कूल के वो ऐसे PDF में पता नहीं क्या कोडिंग के वे में आया था वो रिजल्ट, तो मैं उसको भी मैंने खोला ही नहीं. मतलब आई थॉट कि चलो जो मार्क्स पता चले वही होंगे. तो मतलब अपनी आंखों से अपना रिजल्ट देखना होता है, वो वाली फीलिंग वो आई नहीं रही थी. आई वॉज रिसीविंग कॉल्स और मुझे किसी को कॉल्स करने थे. एवरीबडी हैड लाइक आस्क्ड मी कि कितने आए हैं, बताना. मैसेजेस आ रहे थे, ओके सो यू गॉट दिस मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड एवरीथिंग. सो आई हैड अ बिजी डे. सो ऐसा था. अब रही बात परसेंटेज की कि भाई कितने आए, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो मैं बस आपको इतना ही बताऊंगी दैट आई क्रॉस 95%. एंड अगर आपको एग्जैक्ट परसेंटेज जानी है, लाइक आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो प्रॉब्ली नो दिस कि कितने आए हैं, बट मे बी देर आर सम न्यू विजिटर्स या न्यू फेसेस या जो भी न्यू लोग जो वीडियो देख रहे हैं, सो दे माइट बी ईगर टू नो. सो आई एम गोना कीप दैट नॉट सस्पेंस. आई एम टेलिंग यू दैट आई क्रॉस 95%. बट इफ यू रियली वॉन्ट नो वॉट एग्जैक्ट, देन उसके लिए आपको बहुत सिंपल तो छोटा सा काम करना है. यू नीड टू गो टू इंस्टाग्राम, वहाँ पे सर्च करना है टुगेदर विद धनु, मैं उसी नाम से वहाँ पर भी हूँ, और सर्च करना है एंड सिंपली यू नीड टू DM. आप मुझे वहाँ पे मुझसे कनेक्ट हुई है, आई विल डेफिनेटली टेल यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ एक और मोमेंट जो बहुत स्पेशल हुआ, स्पेशली आज हुआ, एंड आज भी मम्मा लिटरली रो रहे थे बिकॉज मम्मा की मैम से बात हुई एंड मैम ने थोड़ा से तारीफ सी करी मेरी. दैट इज़ द पेरेंट्स मोमेंट. तो मम्मा अगेन वॉज इन टीयर्स. सो हियर आई हैव द न्यूज़पेपर जहाँ पिक्चर आई है. सो आई एम गोना शो यू लाइक अ बिट ऑफ द पिक्चर, लाइक कैन यू सी इट? सो या दैट्स मी, दैट्स माय डैड, दैट्स माय मॉम, दैट्स द पिक्चर जो आई है. एंड दे सॉ इट, दे आर ऑन क्लाउड 9, दे आर वेरी हैप्पी, एंड बिकॉज दे आर हैप्पी आई एम वेरी हैप्पी. सो या दैट वॉज ऑल अबाउट द रिजल्ट एंड स्टफ. मैंने अगले डे देखा वो रिजल्ट एंड या वो थोड़ा लाइक चलो खुद की आंखों से देख लिया, बट वो एक्साइटमेंट ऑलमोस्ट निकल चुकी थी एंड या रिजल्ट पता चल गया था, एवरीथिंग वॉज सॉर्टेड एंड कूल. बट उसके बाद ना विच कॉलेज टू गो, विच कोर्स टू डू, ऑफकोर्स आई वॉज वेरी क्लियर कि भाई कौन सा कोर्स करना है, बट कॉलेज में आई वॉज हैविंग लाइक आई एम एक्चुअली हैविंग अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स कि कहाँ जा सकते हैं. बट आई हैव फिगर्ड आउट लाइक 2-3 कॉलेजेस, सो मे बी उन्हीं में से कोई. That is the plan for the time being. And अब ज़्यादा इसको vlog को लंबा नहीं खींचेंगे. I will just end this vlog right here. And I will also sort of talk about children जिन्होंने शायद अच्छा score किया नहीं किया. I remember मेरे पापा मुझे एक dialogue कहते हैं, बेटा पैसा और marks ना ऐसे होते हैं, जितना उतना कम. So we will always think हमारे जो भी result आएगा ना, we will like यार 2 नंबर शायद और आ जाते या इतने नंबर और आ जाते, हमें हमेशा होगा. सो दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ इज द ह्यूमन टेंडेंसी. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. सो या इट्स कम्प्लीटली फाइन. एंड आई गेस अब पूरा एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने लगी है हम सबके लिए, 12th बोर्डीज के लिए, 10th बोर्डीज के लिए अपना 11th 12th स्टार्ट हो रहा है, बट 12th बोर्डीज के लिए बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट होने वाला, लाइक एक बिल्कुल न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है. स्कूल लाइफ एंड हो चुकी है, अ न्यू जर्नी विल बिगिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एंड वी विल एनकाउंटर a lot of opportunities. So yeah, this was the entire process of waiting for the exams and going through all those things ki result bhi aa gaya and uske baad wali cheeze. So I've shared like everything, like before, after and even the current situation, everything. I hope you enjoyed watching this vlog. If you did, please do like this video. It would really mean a lot to me. Of course, I'm literally working very, very hard for making like really awesome videos. I post a new video every Tuesday, every Saturday. दोपहर के 12 बजे. सो या दैट इज लॉट ऑफ एफर्ट्स. टाइम काफी लगता है उस चीज में, बट आई एम डूइंग बिकॉज आई रियली वॉन्ट माई ऑडियंस टू गेट द बेस्ट थिंग, सम वैल्यू फ्रॉम माई वीडियोज, वट एवर आई मे. एक मैसेज में जरूर कोशिश करती हूँ कि जो भी वीडियो बनाऊँ उसमें इनकॉर्पोरेट करूँ. इफ आई एम डूइंग इवन द फनी चैलेंजेस,
आई सॉर्ट ऑफ ट्राई ओके चलो मेरे कुछ करने से या किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है दैट इज अ रियली बिग थिंग. या इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज 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 कंसिडर सब्सक्राइबिंग. उधर सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिएगा. ऑल्सो उसके साथ नोटिफिकेशन बेल भी है छोटू सा. ओके नाउ अ स्पेशल अनाउंसमेंट विच आई वॉन्टेड टू मेक जो मैंने वीडियो के एकदम एंड के लिए रखा था. अब नेक्स्ट मंथ यानी कि ऑगस्ट को मेरा बर्थडे आ रहा है. इट्स ऑन 5th of August. वाओ बर्थडे मंथ इज अप्रोचिंग एंड आई हैव प्लान्ड समथिंग रियली स्पेशल फॉर माय बर्थडे. आई हैव थॉट ऑफ डूइंग लाइक मोर वीडियोज ऑन माय बर्थडे. लाइक आई विल सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेट माय बर्थडे वीक काइंड ऑफ. इट बी लाइक आई बी अपलोडिंग ऑल्टरनेटली बिकॉज अगर सारे दिन अपलोड करना विल बी लिटिल बिट थोड़ा सा तो आप समझ जाइए. तो या सो आई हैव थॉट कि वो मैं पूरा वीक आई एम गोना डेडिकेट टू माई सेल्फ. यू विल गेट टू नो मोर ऑफ मी मोर ऑफ व्लॉग्स कमिंग अप एंड रियली cool, fun, exciting content. So I have thought of like 4 videos among seven days. Yeah, तो उन 7 days पे 4 videos आएंगी. First one 3rd August, second next one 5th August and ऐसे करके. Whatever will be the schedule, I will like updating you with every video. But that's the plan. I'm super excited and I'm literally hoping that by the end of August 5th ko jab main apna YouTube channel kholu, I see there at least 300 subscribers. I guess I am currently at 240 subscribers. So yeah, that will be like the biggest birthday gift for me. Reach out to 300 people or 300 subscribers. So that would mean world to me. So yeah guys, I really need your support. Keep supporting, keep loving. Please recommend it to your friends, family, jo bhi hain aapke touch mein. I will see in the next video. Tab tak ke liye, stay together, grow together, and that too together with Dhanu. Bye bye and take care.